क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई करनी है हमें, फाइंड इट्स वैल्यू फॉर एक्स की, एक्स इज इक्वल्स टू थ्री। हमें एक ये टर्म दे रखा है, हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है, उसमें सबसे पहला पार्ट इन्होंने क्या बोला कि एक्स की पावर, अगर हम एक्स इज इक्वल्स टू थ्री डाल देते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या बोल रखा है कि अगर एक्स की पावर, एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाए, 1/2 होगा, तो इसका हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, मतलब वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं पहला पार्ट का। ए पार्ट का पहला क्वेश्चन कितना है, एक्स इज इक्वल्स टू थ्री, एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, 3x 4x माइनस के 5 प्लस का 3। राइट, 3 की वैल्यू पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू 3 पुट करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3, 4 टू 12 माइनस के 5 प्लस का 3। ठीक, 9 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 7 प्लस का 3, ये तो हो रहा है, 12 में से 5 गया 7 और ये 3, 63 प्लस 3 यानी कि कितना वैल्यू आया, 66। कितना वैल्यू आया भाई, 66। तो पहले पार्ट का आंसर कितना आया, जब हमने x की वैल्यू 3 डाली तो हमारा वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आई सिंप्लीफाई करके, 66। ठीक है, सेकंड पार्ट पे बोलते हैं एक्स की वैल्यू कितनी है, हमें कितनी पुट करनी है एक्स की वैल्यू सेकंड पार्ट में, 1/2। ठीक है, क्या एक्सप्रेशन दे के रखा है हमें, 3x 4x माइनस के 5 प्लस का 3। राइट, इसमें हम क्या डालेंगे, 1/2 वैल्यू डाल देंगे एक्स की। तो डालते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1/2, 4 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस के 5 प्लस का 3। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 2 से इसे कट जाएंगे तो 2 माइनस के 5 प्लस का 3। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 3/2 माइनस का 3 प्लस का 3। राइट, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे रख देते हैं माइनस का 9/2 प्लस का 3, और ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस का 9 प्लस 6 यानी कि माइनस के 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। जब हमने क्या वैल्यू डाली इसमें, x की, x इज इक्वल्स टू 1/2 डाला, तो हमारा जो वैल्यू आया इससे सिंप्लीफाई करके कितना आया, माइनस के 3/2। ओके, 1/2 हमने सिंपली इसमें वैल्यू डाल दी, यहाँ पर माइनस 5 बड़ा था इस वजह से माइनस का 3 आ गया है, माइनस के 9/2 हो गया, प्लस का 3 हो गया, माइनस 9 प्लस 6 इज डिवाइडेड बाई 2 यानी कि माइनस के 3/2। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी में हमें एक्सप्रेशन दे के रखा है, ए ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए प्लस का 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5, फाइंड इट्स द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू कब हो, 0 हो, और फिर सेकेंड पार्ट दे रखा है ए इज इक्वल्स टू 1, और थर्ड पार्ट दे रखा है ए इज इक्वल्स टू माइनस 3। तीन पार्ट दे रखे हैं इसमें, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले इसका एक्सप्रेशन लिख देते हैं, क्या क्या एक्सप्रेशन में दे रखा है, ए ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का ए प्लस का 1 प्लस का 5। राइट, पहला एक्सप्रेशन में क्या बोला है, ए इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 हुआ, तो ये 0 प्लस ये 0 प्लस 1 प्लस का 5, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी बची भाई, 5 बची। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या बोला था, ए इज इक्वल्स टू 1, ए इज इक्वल्स टू 1 डाला, ए की वैल्यू हम क्या डालेंगे, 1, 1 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस का 5, तो कितना बन गया ये, 3, और 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 8। राइट, ये 3 बना, 3 की मल्टीप्लाई 1 में करा तो 3 ही रहेगा, 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, इसके थर्ड में क्या बोला था, ए की वैल्यू कितनी पुट करने के लिए बोला था, ए की वैल्यू पुट करने के लिए बोला था माइनस के 1। एक्सप्रेशन क्या था, ए
ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए प्लस का 1 प्लस का 5। माइनस 1 पुट करते हैं, माइनस माइनस 1 दो बार आया तो 1 आ जाएगा, ए की वैल्यू माइनस 1 प्लस का 1 प्लस का 5। ठीक है, ये इससे कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस 1 का माइनस 1 प्लस 5 यानी कि 4। इसका एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, कब, जब हमने a इज इक्वल्स टू माइनस 1 रखा। तो सबकी वैल्यूज आ गई, एक बार मैं बता देती हूँ किस किस की क्या क्या वैल्यू हमने पुट करी थी। x इज इक्वल्स टू 3 पुट करा, किस में, 3x ब्रैकेट में 4x माइनस 5 प्लस 3 में पुट करा, तो कितनी वैल्यू आई 66 आई। फिर जब हमने x इज इक्वल्स टू 1/2 रखा तो इसकी वैल्यू कितनी आई, माइनस के 3/2 आई। ठीक है, फिर हमारा सेकेंड पार्ट था, उसमें हमारा एक्सप्रेशन दे रखा था a ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस a प्लस का 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस का 5। सबसे पहले हमने क्या पुट करा, a इज इक्वल्स टू 0 पुट करा, तो a इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। जब हमने a इज इक्वल्स टू 1 पुट करा तो कितनी वैल्यू आ गई 8 आ गई। ठीक है, माइनस 1 पुट करा तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है,